वेलकम फ्रेंड्स इन कुकिंग स्कूल। आज हम बनाएंगे व्रत का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता, चटपटे आलू रोल। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये फराली आलू रोल है, तो हमने लिया है राजगीरे का आटा 1 कप, आलू 4 से 5 लिए है बॉइल करके, आधा कप अरारूट, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 चम्मच धनिया लिया है। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, जिसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। हाथों से मैश कर लेंगे इसे, जिससे कि इसमें आलू के कोई मोटे टुकड़े ना रह जाए। हमें आलू को ज़्यादा मैश नहीं करना है, हल्का सा ही मैश करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, अदरक, साथ में डाल देंगे धनिया। मसाले भी हम साथ में ही डाल देंगे, जिसमें डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, जिसका हमने पाउडर बना लिया है। आमचूर पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये सारी चीज़ों को हम आलू में मिक्स कर लेंगे। आलू को थोड़ा सा मैश करते जाएंगे और मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये आलू रोल बहुत ही टेस्टफुल बनता है। उपवास में एक बार अगर आपने इसे बनाकर खाया तो आपको ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। तो सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नींबू का रस, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और कोई आलू के मोटे टुकड़े रह गए हो तो उसे भी हम मैश कर लेंगे। हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई आलू के मोटे टुकड़े न रह जाए, नहीं तो हम आसानी से इसका रोल नहीं बना पाएंगे। तो हमारा आलू का मसाला अब तैयार हो गया है। अब हम इसमें से रोल बना लेंगे। हाथों को हमने थोड़ा सा तेल की मदद से चिकना कर लिया है। इसमें से थोड़ा सा मसाला लेंगे और दोनों हाथों की मदद से इस तरह से रोल बना लेंगे। देखिए आप, बहुत ही अच्छी तरह से बन रहा है हमारा रोल। तो हमने सारे रोल बना लिए हैं। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। एक बर्तन लेकर इसमें डालेंगे राजगीरे का आटा, अरारूट, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, जिससे इसमें लंप्स भी न रहे और हमारा बैटर भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी। बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए हमें आलू रोल बनाने के लिए। तो हमारा बैटर अब बनकर तैयार हो गया है। अब हम रोल को फ्राई कर लेंगे। तेल को हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम 2 से 3 रोल लेंगे और बैटर में डालेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हम रोल को बैटर में डालेंगे और चम्मच से भी इसके ऊपर बैटर डाल देंगे। इसी तरह से देखिए आप, जिसे रोल के सारे हिस्से में बैटर आ जाए। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम चम्मच की मदद से एक एक रोल को धीरे से तेल में डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी 2 रोल को भी तेल में डाल देंगे। और याद रहे, हमें चम्मच से ही इसे तेल में डालना है, वरना हमारे रोल का शेप बिगड़ जाएगा।
और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो धीरे से इसे पलट देंगे, जिससे कि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और इस तरह से बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे और मीडियम गैस पर इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये फराली आलू रोल बनाना बहुत ही आसान है और ये एकदम इजीली बन जाता है और हमें इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और उपवास के लिए ये सबसे टेस्टफुल नाश्ता भी है। तो हमारे रोल अब फ्राई हो चुके हैं, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी रोल को भी चम्मच की मदद से तेल में डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भी फ्राई कर लेंगे। ये रोल को तलते वक्त आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है, धीरे से रोल को तेल में डालना है और हल्के हाथों से इसे पलटना है। तो हमारे ये रोल भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए आप, एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं हमारे सारे रोल। और इतने रोल में से 2 लोग तो आराम से नाश्ता कर सकते हैं। तो बनकर तैयार हो गए हैं हमारे फराली आलू रोल। आलू और दही का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो आप इसे दही की चटनी के साथ खाएं या फिर टमाटो सॉस के साथ, बहुत ही ये टेस्टी लगता है। ये सावन के महीने में आप भी जरूर से एक बार बनाकर खाइए फराली आलू रोल। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।